तो बोल रहे हैं भाई थक चुके हैं, उनसे संभल नहीं रहा। अब कितनी बार बुलवाइएगा, मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से वो थक चुके हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभलने वाला। वैसी जी को कहना है, वैसी जी का कहना है कि सपने में योगी को हम दिखाई देते हैं, पाकिस्तान है और वैसी यही सिर्फ दिखाई देता है उनकी सभाओं में। अभी कल भी भाषण दिया उन्होंने योगी साहब ने। अरे हम ना इनका देखते हैं ना उनका देखते हैं। तेजस्वी जी एक सवाल है कि हमारे सामने जनता का सवाल महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति विशेष कौन सा मुद्दा दूसरे राज्यों से लेकर के आता है, ये हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव में मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी, कारखाना, पलायन, गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बीमारी, शिक्षा, ये सारी चीज़ें हैं। हम जो हैं जनता को हमने विकल्प दिया है और क्या काम करेंगे, विजन हम लोगों ने सामने रखा। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, नीतीश जी दुख दर्द में आपने आँख चेहरा मोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया, बाढ़ हो कोरोना हो तब तो आप हेलीकॉप्टर अपना नहीं चलाएं, अब वोट लेने के लिए आप आ रहे हैं। किस आधार पे आप वोट मांगने आए हैं? 15 साल में एक कारखाना नहीं लगा, रोजगार नहीं लगा, पलायन नहीं रुका, गरीबी नहीं मिटी, भुखमरी नहीं मिटी, तो किस आधार पे वो वोट मांग रहे हैं? केवल और केवल लाठी से पिटवाने का काम किया नौजवानों को, शिक्षकों को, सरकारी कर्मचारियों को। और हमने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार जी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है बीजेपी की सरकार ने, ये नोटिफिकेशन है कि भाई 50 साल की उम्र में सरकारी कर्मचारियों को रिटायर कर देंगे। तो ये जो फैसला है, हमारी सरकार आएगी तो इस नोटिफिकेशन को रद्द करेगी।